हजरात सलामुअलैकुम। जैसा कि आप तमाम हजरात के इल्म में है कि एक फिल्म बनाई जा रही है, फिल्म का नाम है दी कश्मीर फाइल्स। इसको जी मीडिया जो है इस फिल्म को बना रहा है, दी कश्मीर फाइल्स को, और उसके अंदर बाकायदा उन्होंने आतंकवाद को दिखाया है और उसमें उन्होंने आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी साहब की तस्वीर को ख़ास तौर से लगाया है और उन्होंने तस्वीर को लगा के ये दिखाया है कि जैसे कि ये सब आतंकवादी लोग हैं और जो खुमैनी साहब की तस्वीर लगाई गई है ये जानबूझ के प्लानिंग के तहत काम किया गया है। बाकायदा मैं नागपुर से ये अपील करता हूँ तमाम हिंदुस्तान के वो लोग जो खुमैनी साहब को मानते हैं और शेख जाफरी के मानने वाले हैं या इस्लाम के मानने वाले हैं, उन लोगों से मैं इस वक्त नागपुर से ये अपील करता हूँ कि बाकायदा जी मीडिया के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करें। और हमने बाकायदा हम अभी बात करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में और सेंसर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के जो लीगल विंग है उन्हीं ने मेरे इल्म में आया है कि FIR भी बाकायदा इसकी कर दी है। आप जहाँ जहाँ पर हों इसके खिलाफ FIR करें। कभी आज़ादारी को टारगेट किया जाता है, कभी अलम को टारगेट किया जाता है, कभी जंजीर के मातम को टारगेट किया जाता है, कभी मुकद्दस नामों को टारगेट किया जाता है, कभी हमारे मराजा किराम के नामों को टारगेट किया जाता है। लिहाजा मैं तमाम अंजुमनों से, तमाम इदारों से, तमाम उलमा खुतबा जाकरीन वाइजीन आपके इंडिविजुअल अगर से पैड हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आप उसके ऊपर भी अपने पैड के ऊपर भी मेल्स करें, लेटर्स लिखें ताकि आपकी जो सदा एहतजाज बुलंद हो, ताकि वो वहाँ से जी मीडिया ग्रुप वाले खुमैनी साहब की तस्वीर हटाएं और बाकायदा ये एश्योर करें हमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के आइंदा से, जिससे हमारी मजहबी जज्बात हट होते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, बाकायदा वो इन नामों को आगे से इस्तेमाल न करें। बहुत बहुत शुक्रिया।